Good morning, students. How are you? Are you fine? Okay. Today we are going to learn first lesson grammar part. There is a grammar part. There are two topics: verb and adjective. Now we are going to learn about verb. You know what is verb? Verb is an action word. In previous classes, we learned about verb, action word. Do you know? Like sit, stand, walk, run, come, go, sleep, smile, cry, weep, jump. Asar, बहुत सारा action words हमको मालूम है. Okay. जो हम करते हैं वो है एक्शन वर्ब. इसको बोलते हैं वर्ब. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स. वर्ब दो तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज इंट्रांसिटिव वर्ब एंड सेकेंड वर्ड ट्रांसिटिव वर्ब. व्हाट आर दे? इंट्रांसिटिव वर्ब एंड ट्रांसिटिव वर्ब. फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न इंट्रांसिटिव वर्ब. An intransitive verb is a verb which has no objects. जो वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं है वो वर्ब है इंट्रांसिटिव वर्ब. मीन्स हरी इज हैप्पी. इसमें इस सेंटेंस में इज वर्ब है. ये वर्ब को कुछ ऑब्जेक्ट नहीं. मतलब इसमें हम ऐसे सवाल पूछेंगे व्हाट. हरी इज हैप्पी. क्या हैप्पी ऐसे पूछेगा तो कुछ आंसर मिल जाते हैं? नहीं मिलते. इसलिए इसको ऑब्जेक्ट नहीं. गीता सिंग्स वेल. गीता अच्छे से गाती है. बस इतना है. क्या गाती है इसमें बोलते नहीं. इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं. द चाइल्ड इज स्माइलिंग. इज स्माइलिंग इज द वर्ब. बच्चा क्या कर रहा है? मुस्कुरा. बच्चा मुस्कुरा. क्या मुस्कुराते हैं ऐसे पूछेगा तो आंसर नहीं मिलते. इसलिए ये इंट्रांसिटिव. ऐसे जो क्वेश्चन हम पूछते हैं व्हाट उसका आंसर मिल जाएगा तो इसका ऑब्जेक्ट है. अगर आंसर नहीं मिला तो इसको ऑब्जेक्ट नहीं है. तब इंट्रांसिटिव वर्ब आता है. ही सैट डाउन ऑन द फ्लोर. इसमें ही सैट डाउन ऑन द फ्लोर. वो नीचे बैठ गया. ये क्या बैठ गया ऐसे पूछेगा तो कुछ आंसर नहीं मिलते. मोहन बिकेम एन इंजीनियर. मोहन बिकेम एन इंजीनियर. मोहन इंजीनियर बन गया. इंजीनियर मोहन इंजीनियर बन गया. मोहन इंजीनियर क्या इंजीनियर है ऐसे पूछे उसमें आंसर नहीं है. वो इंजीनियर है. इसमें ऑब्जेक्ट नहीं ये सेंटेंस. इसलिए इसका इंट्रांसिटिव वर्ब. ये वर्ब को क्या बोलते हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं. नेक्स्ट ये ट्रांसिटिव वर्ब इज अ वर्ब विच हैज एन ऑब्जेक्ट. ट्रांसिटिव वर्ब फर्स्ट है इंट्रांसिटिव वर्ब उसमें ऑब्जेक्ट नहीं वर्ब. दूसरा ट्रांसिटिव वर्ब उसमें वर्ब को ऑब्जेक्ट है. ऐसा सेंटेंस है. ऐसा वर्ब है ट्रांसिटिव वर्ब. शी बोट ए बुक. उसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट बोट. क्या खरीदा? क्या खरीदा? शी बोट ए बुक. क्या खरीदा हमको आंसर मिल गया बुक. बुक इज द ऑब्जेक्ट. ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है बुक.
He wrote a letter. Wrote what? क्या लिखा? हमको क्या मिलेगा आंसर? लेटर. ये है ऑब्जेक्ट. लेटर इज ऑब्जेक्ट. दे ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग. वो रोज चाय पीते. ड्रिंक व्हाट? क्या पीते हैं? आंसर क्या मिलेगा? टी. टी इज द ऑब्जेक्ट. अंडरस्टैंड? द पोस्टमैन ब्रॉट ए लेटर. द पोस्टमैन ब्रॉट ए लेटर. ब्रिंगिंग का पास्ट टेंस है ब्रॉट. ब्रिंग लाना, ब्रॉट लाया. पोस्टमैन ब्रॉट व्हाट? क्या लाया पोस्टमैन? क्या लाया? वो आंसर मिलते हैं लेटर. ऐसे क्वेश्चन पूछ के आंसर मिल जाएगा तो वो है ऑब्जेक्ट. वो ऑब्जेक्ट में जाते हैं. ये वर्ब का ये आंसर ऑब्जेक्ट में जाते हैं. ऐसे ऑब्जेक्ट है तो इंट्रांसिटिव वर्ब होता है, नहीं है तो ट्रांसिटिव वर्ब. द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब पासेस ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. जब जो सब्जेक्ट करते हैं वो एक्शन का फल कहाँ पहुंच जाते हैं? ऑब्जेक्ट में पहुंच जाते हैं. इसका रिजल्ट ये है इन ट्रांसिटिव वर्ब. बोथ वन. क्या खरीदा? ये बुक. रोट वन. क्या लिखा? ये लिखा. ड्रिंक वन. क्या पिया? टी. ऐसे ये बुक इसी सेंटेंस में. शी बोट ए बुक. इस सेंटेंस में बुक ऑब्जेक्ट ऑफ द बोट. ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बोट. वर्ब इज द बोट. इसका ऑब्जेक्ट है बुक. जो खरीदा ये सब्जेक्ट. शी इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट ने क्या किया? खरीदा. क्या खरीदा? बुक खरीदा. ये सब्जेक्ट ने जो किया वो उसका रिजल्ट कहां पहुंच गया? बुक में पहुंच गया. ये खरीदने का ओ वर्ब वो उसका फल है बुक में पहुंच गया. क्या खरीदा? बुक खरीदा. ये है इंट्रांसिटिव. समझ में आया? ही रोट ए लेटर. ही इज सब्जेक्ट एंड रोट वर्ब. ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है लेटर. सब्जेक्ट ने क्या किया? लिखा. क्या लिखा? लेटर. ऑब्जेक्ट इज लेटर. समझ में आया? ये है इंट्रांसिटिव वर्ब. ये अपना नोटबुक में लिखना और इसको अच्छे से ध्यान से रेडी करना और याद भी रखना. ये हमेशा हमको हर क्लास में जरूरत है. ये चीजों का ग्रामर का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में भी आएगा. जितना टाइम हम पढ़ते रहते हैं सारे क्लास में आता रहेगा. इसलिए इसको ध्यान से लिखना और लर्न करना. डू यू नो एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स मीन्स विशेष. हम जो कुछ बोलते हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा लगा के बोलते हैं वो ये विशेष. इसका दूसरा नाम है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पहले हमने लर्न किया होगा इन प्रीवियस क्लासेस. एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स कई प्रकार के होते हैं. उसमें हम अभी डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर. ये थ्री हम आज लर्न करेंगे. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, adjective of quantity and adjective of number. First of all, adjective of quality. See the sentence. Rohan is a clever boy.
रोहन इज ए क्लेवर बॉय मीन्स रोहन एक बहुत चतुर लड़का क्लेवर मीन्स बुद्धिमान है बहुत अच्छा बुद्धिमान होता है रोहन रोहन इज ए बॉय हम बोल सकते हैं रोहन एक लड़का है रोहन कैसा लड़का है रोहन इसे क्लेवर तब हमको हम रोहन को और उसका क्वालिटी उसके गुण दिखाने के लिए हम क्लेवर यूज किया चतुर है बहुत अच्छा दिमाग वाला है सीमा इसे ब्यूटीफुल गर्ल सीमा इसे गर्ल सीमा एक लड़की है सीमा कैसी लड़की है सीमा एक ब्यूटीफुल गर्ल सीमा इसे ब्यूटीफुल गर्ल सीमा एक सुंदर लड़की है कैसा लड़की है सुंदर ये सेंटेंस है याद चलती दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक ये बुक के बारे में बोल रहे हैं बुक कैसा है इंटरेस्टिंग जो पढ़ने में बिल्कुल हमको अच्छा लगेगा इंटरेस्ट होता है तत्पर होता है रितु हैज रेड लिप्स रितु हैज रेड लिप्स लिप्स मींस ओ रितु का ओ कैसा होता है रेड कलर लाल कलर का होता है ऐसे हम कुछ विशेषण जोड़ के बोलते हैं इसको बोलते हैं एडजेक्टिव समझ में आया और हम नॉर्मली यूज करते हैं एडजेक्टिव क्लेवर काइंड ब्यूटीफुल प्रेटी इंटेलिजेंट फूलिश लार्ज अफेक्शनेट स्मॉल इंडियन ओल्ड यंग न्यू हॉनेस्ट कनिंग डल हेवी स्वीट बिटर हेल्थी पायस दीज आर एडजेक्टिव्स हम सेंटेंस में ये वर्ड्स को कुछ किसी चीज का किसी व्यक्तियों का और किसी का विशेषण बताने के लिए हम यूज करते हैं ऐसा वर्ड्स को बोलते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी ये कौन सा एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो गुण होता है जो व्यक्ति के अंदर गुण होता है क्लेवर बॉय ब्यूटीफुल गर्ल इंटरेस्टिंग बुक इसका गुण होता है गुण के बारे में बोलते हैं वो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नेक्स्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी सीमा हैज ए ग्रेट पेशेंस पेशेंस मीन क्षमा सीमा एक औरत है उसको बहुत क्षमा होती है कितना नोटी बच्चे है तो उसको हैंडल करने को मालूम है कितना शरारती करते हैं तो फिर भी उसको बहुत पेशेंस रखे उसको संभालते हैं पेशेंस आई हैव नो मनी आई हैव नो मनी मीन्स मेरे पर्स में पड़ी मनी कुछ नहीं है नो मनी पैसा नहीं है मेरे पास डिड यू ईट एनी फूड आप कुछ खाया क्या एनी इसमें ग्रेट नो एंड एनी आर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्वांटिटी होता है वो कितना है वो हम बोलते हैं हाउ मच इसका आंसर देते हैं हाउ मच का आंसर मिलेगा वो यू डिड यू ईट एनी फूड आप कुछ खाया क्या है आपने क्या खाया कितना खाया हम पूछते हैं तब वो बोलते हैं एनी फूड आई हैव नो मनी कितना रुपया है अपने पास पूछेगा तो नो मनी बोलते हैं हाउ मच क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर मिलेगा वो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्वांटिटी में हम ऐसे यूज करते हैं ग्रेट मच नो एनी enough, half, old, little, सब ये सारे adjective of quantity में हम use करते हैं। Next है adjective of
नंबर, नंबर के बारे में जो एक्साइटेड नंबर हम बोलते हैं, ये है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देयर आर 20 गर्ल्स इन द क्लास, क्लास में कितना लड़कियां हैं, कितना लड़के, वो एक्साइटेड है, बिल्कुल पक्का नंबर हो जाता है 20 गर्ल्स। इसमें 19 नहीं होता, 21 नहीं होता, 20 एक्साइट। हियर आर सम एप्पल्स, यहां कुछ एप्पल है, उसमें भी हम इसका पूरा नहीं बोलते हैं, हाँ कुछ तो है, एप्पल है। सीमा गॉट फर्स्ट प्राइज, सीमा क्लास में फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट पोजीशन में आ गया, इसलिए उसको प्राइज मिलता है। ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सारे उसमें आएगा नंबर में, और 1 2 3 4 5 6 ऐसे हैं, कोई से भी नंबर आ सकते हैं क्वांटिटी में। 20, 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
कैंबल. अंडरस्टैंड? ये अपना नोटबुक में लिखना और याद करके रखना, ये भी हमको हर क्लास में जरूरत है, इसलिए ध्यान से रीडिंग करना, कई बार रीडिंग करके इसको समझना. अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू.